हेलो एवरीवन माय नेम इज अर्णव दत्ता एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल एसएससी सीजीएल का जो लाइफ टेस्ट हुआ था दिस वेडनेसडे इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे तो एज यू गाइस कैन सी एवरी वेडनेसडे आप लोगों को लाइफ टेस्ट मिलेगा जिसको आप लोगों का अटेम्प्ट करना है और जो आंसर मार्क कर रहे हो वो कितना सही है क्यों सही है उसका हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन ओके

राइट right? लेटर जो है इट इज रिलेटेड टू टाइम फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब अपने दोस्तों को बोलते हैं कि आई विल सी यू लेटर राइट ऐसे बोलते हैं ना कि आई विल सी यू लेटर तो उसका मतलब क्या कि हम लोग उसको बाद में मिलेंगे विच इज रिलेटेड टू टाइम नाउ वट इज लेटर लेटर इज द सेकेंड ऑफ टू पर्सन और थिंग्स फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे दो इंसान है या तो दो ऑब्जेक्ट होगा तो लेटर वन दिस इज नंबर वन दिस इज नंबर टू तो जो सेकेंड पर्सन और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग लेटर बोलते हैं वन इज लेटर विच इज रिलेटेड टू टाइम एंड वन इज लेटर विच इज रिलेटेड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट राइट right? तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं यहां पे देखो दो टी है एल ए डबल टी ई आर तो इसका जो सेकेंड वाला टी है इसको हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द टू टीज तो आप लोग को ऐसे ट्रिक से इसको याद रखना है कि वेन देयर इज अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट वी विल यूज लेटर एंड वेन इट इज रिलेटेड टू टाइम वी विल यूज लेटर सो इस सेंटेंस में ऑप्शन बिटवीन द प्लास्टिक एंड जूट इसमें लेटर कौन सा है जूट right okay so moving on to the next question the idiom to wash one's hands off means iska answer kya hoga to wash one's hand off right so the correct answer is to make money very rapidly incorrect to live within one's income incorrect incorrect to refuse to accept ओके टू डिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी राइट तो आप लोग एक सिचुएशन इमेजिन करो कि देयर इज अ पर्सन जो मर्डर कर दिया राइट मर्डर करके उसका हाथ में ऐसा ही हैज ब्लड इन हिज हैंड्स तो वो जाके ही इज वॉशिंग हिज हैंड्स लाइक टू वॉश वंस हैंड्स ऑफ तो वो क्या कर रहा है कि वो रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रहा है कि ये खून मैंने नहीं किया तो ऐसे टाइप से आप लोग याद कर सकते हो इसको सो so, टू वॉश वन हैंड्स ऑफ मीन टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग हाथ धुल लेना कि मैंने ये नहीं किया सो दिस इज इट्स मीनिंग राइट सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिटॉल स्टॉल वर्थ मतलब क्या होता है ब्रेव रिलायबल एक्सेट्रा जो पर्सन ब्रेव होता है रिलायबल होता है उसको हम लोग स्टॉलवर्द बोलते हैं राइट सो so, अगर एंटोनिम क्या होगा इसका कावर्डली ब्रेव का ऑपोजिट है कावर्डली राइट गॉट आंसर फर्म मतलब क्या है जो हिलता नहीं है डटे रहता है कि दिस इज अ ही इज अ फर्म पर्सन मतलब उसने जो बोला है वो वो करेगा नो मैटर वर्ट राइट स्टाउट मतलब गुड बिल्ड पर्सन फॉर एग्जाम्पल सलमान खान बॉडी वाला है राइट स्टाउट है तो उसको हम लोग स्टाउट बोलते हैं वेल बिल्ट मैन रोबस्ट रोबस्ट ऑल्सो मीनस द सेम की हेल्दी ताकतवर इंसान को हम लोग रोबर्ट बोलते हैं सो एज वी कैन सी दैट दिम ऑफ स्टॉलवर्थ इज कावर्डली राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम ऑफ कांट होल्ड अ कैंडल टू इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग द करेक्ट आंसर इज थ्री कांट होल्ड अ कैंडल टू मीन्स टू नॉट बी एज गुड एज द पर्सन और थिंग मैंशनड अब इसको याद कैसे रखना है कि सोचो दो आदमी फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली राइट सो विराट कोहली यू कैन से इज द नंबर वन बैट्समैन इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन सी तो आप लोग ऐसे इमेजिन करो ना कि कोई भी एक रैंडम क्रिकेटर है वो एक कैंडल लेके जा रहा है जाके विराट कोहली को, के सामने टू मी इसका मतलब क्या हो रहा है कि आई एम कंपैरिजन में आपका कुछ नहीं है राइट सो कांट होल्ड अ कैंडल मींस टू नॉट बी एज गुड एज द पर्सन ऑफ थिंग मेंशन आई होप ये ट्रिक आप लोगों को याद रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम ऑफ द गिवेन वर्ड वियर्ड ये तो बहुत ही इजी है वियर्ड का एंटोनिम क्या होगा नॉर्मल वियर्ड मतलब अजीब जो नॉर्मल नहीं होता है तो उसका एग्जैक्ट एंटोनिम तो नॉर्मल होगा राइट right? ओके okay. इसका मीनिंग्स भी देख लेते हैं एपरेंट मीनस विच इज विजिबल

embezel का मतलब क्या होता है इट्स मोस्टली रिलेटेड टू मनी कि पैसा का हेरा हेराफेरी करना राइट right? हेराफेरी को कहते हैं एम्बेजलमेंट एम्बेजलमेंट से आया एम्बेजल सो so, एम्बेजेबल एम्बेजल मतलब होगा मिस मिसअप्रोप्रिएट देखो अपप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है अपप्रोप्रिएट मतलब होता है जो सही है तो अगर इसमें मिस लगा तो, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा जैसे हम लोग प्रीवियस क्लासेस में किए थे कि किसी वर्ड में अगर मिस लगा दो तो उसका ऑपोजिट होता है तो अप्रोप्रिएट मतलब सही मिस अप्रोप्रिएट मतलब गलत मतलब हेराफेरी करना देर फॉर सिनोनिम ऑफ एम्बेजलमेंट इज मिस अप्रोप्रिएट राइट ओके बैलेंस मतलब तो आप लोगों को पता है किसी चीज को ऐसे तोलना बैलेंस करना रूमिनेरेट रूमिनेट का मतलब क्या है कि सोचो आपका घर पे कोई प्लम्बर आया उसने काम किया काम करने के बाद आप उसको पैसा दिया कि ये आपका पेमेंट है तो वो जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसको हम लोग बोलते हैं रिमिनोरेट राइट एंड क्लियर मतलब तो क्लियर आप लोग को पता है ये चीज राइट सो मूविंग ऑन टू द द नेक्स्ट क्वेश्चन यस मीनिंग द्वेशन योप्रिएट डेवोल्यूशन सेम इन मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड अच्छा आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो इंस्ट्रक्शंस को एकदम सही से पढ़ना है बिकॉज इजी क्वेश्चंस जल्दी का चक्कर में गलत हो जाएगा इसलिए सेम मीनिंग चाहिए डिवोल्यूशन डिवोल्यूशन को हम लोग कैसे क्रैक करेंगे देखिए इस वर्ड को अगर मैं इस वर्ड को बस इवोल्यूशन लू इवोल्यूशन इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है डारविन थियोरी के हिसाब से कि बायोलॉजी तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि बंदर से हम लोग लाइक like शिमपेन्जी और बंदर से हम लोग इंसान बने राइट सो वी इवॉल्व फ्रॉम अ मंकी टू अडर्न में मॉडर्न डे मैन तो हम लोग इम्प्रूव किए ना इवॉल्व हुए अभी उसका ऑपोजिट कर दो यहां पर डी है डिवॉल्व मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट कि उसका उल्टा पकड़ लो कि कोई इंसान से बंदर बन गया राइट right? तो डिक्लाइन हो रहा है ना वो चीज तो डिवोल्यूशन का मीनिंग होता है डेक्लाइन राइट सो डिक्लाइन इज द करेक्ट आंसर अच्छा और एक चीज जो है अगर सोचो कि एग्जाम में मैं गया एंड आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ डेवल्यूशन तो हम लोग ना ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रिटेन रिटेन मतलब किसी चीज को हाथ में रखना या वापिस ले लेना रिटेन करना राइट right? राइज मतलब बढ़ना ऊपर अप स्विंग अप स्विंग वर्ड जो है स्विंग मतलब क्या होता है ऐसे स्विंग होता है ना बॉल को स्विंग करते हैं फॉर एग्जाम्पल हरभजन सिंह बॉल को स्विंग किया तो अप स्विंग मतलब क्या? अप हो रहा है ऐसे। तो राइज ही हुआ एक तरफ से, राइट राइज अप स्विंग तो पॉजिटिव वर्ड है इस और होल्डिंग इस दी आउट इन फोर तो अगर एग्जाम में आप लोगों को ऐसा हुआ कि मीनिंग नहीं पता है ऑप्शन एलिमिनेशन करो एलिमिनेट करके देखो कि कौन सा मैन आउट है वही आंसर होगा राइट ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन वर्ड सब्सटीट्यूट वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस बाय चांस अगर कुछ चीज हो जाए आप लकी हो राइट तो उसको क्या बोलेंगे समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर टू ईट्स क्या प्रोनाउंस होता है फॉर्टूटस फॉर्टूटस कहां से आया फॉर्च्यून फॉर्च्यून से आया फॉर्टूटस फॉर्च्यून मतलब क्या है सोचो आप लॉटरी जीत गए अचानक से एक करोड़ रुपए जीत गए आप तो क्या हो आप फॉर्चुनेट हो कि आपने एक करोड़ रुपए जीता है तो फॉर्च्यून से आ गया फॉर्च्यून फॉर्च्यून से आ गया फोर्टूटस राइट right? फॉर्टूट मीन्स बाई चांस कोई चीज अच्छा होना राइट सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑक्सीडेंटल मतलब क्या होता है ऑक्सीडेंटल एनीथिंग रिलेटेड टू वेस्टर्न कंट्रीज इज कॉल्ड ऑक्डेंटल फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलू मॉडर्न ऑसीडेंटल सोसाइटी मतलब मॉडर्न वेस्टर्न सोसाइटी राइट Purposeful का मतलब जिस चीज का पर्पज है जैसे आप लोग एग्जाम जो क्रैक करना चाहते हो तो उसका एक purpose है, right? so you are becoming purposeful. मतलब जान के किसी चीज़ को करना, थ्रो एन इवेंट इन टू कंफ्यूशन और डिसऑर्डर कन्फ्यूशन और डिसऑर्डर उसको क्या बोलते हैं डिजरप्ट डिजरप्ट इज द करेक्ट वर्ड इसमें भी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं कि देखो ये जो तीनों मीनिंग्स है ना दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर डिज़रप्ट इज द ऑड मैन आउट फॉर एग्जांपल डेटोनेट बॉम्ब जो डेटोनेट होता है डेटोनेट मतलब फटना इरप्ट इरप्ट क्या होता है वोल्केनो जो इरप्ट होता है कोई चीज फट से निकलना को हम लोग इरप्ट बोलते हैं लाइक वोल्केनिक इरप्शन राइट एक्सप्लोड मतलब कोई चीज ऐसे बिखर जाना

ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड एरोगेंट सही है रेटिसेंट भी सही है रेटिसेंट मतलब क्या होता है रिजर्व 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 मतलब जो कम बात करता है और इंट्रोवर्ड भी बोल सकते हो इंट्रोवर्ड रेटिसेंट मतलब रिजर्व और इंट्रोवर्ड आइसोलेशन आइसोलेशन का भी स्पेलिंग आइसोलेट मतलब किसी चीज से अलग रहना जैसे कोविड के टाइम पे हम लोग आइसोलेशन में थे अकेले थे राइट टैरिफ इनकरेक्ट स्पेलिंग दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ टैरिफ टी ए आर आई डबल एफ टैरिफ मतलब क्या होता है टैक्स, टैरिफ मतलब टैक्स होता है राइट ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन फॉर वर्ड्स वन इज स्पेल्ड करेक्टली अच्छा पहला वाला इनकरेक्टली स्पेल्ड था ये वाला स्पेल्ड करेक्टली है तो इनमें से कौन सा मतलब करेक्टली स्पेल्ड है अच्छा नो सॉरी फाइंड दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड राइट जजमेंट करेक्ट है लेबोरेटरी ये भी करेक्ट है नॉलेज भी करेक्ट है दिस इज इनकरेक्ट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लिबरेलिटी लिबरेलिटी कहां से आया वर्ड लिबरल लिबरल का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को लिबरल मतलब होता है ओपन टू न्यू आइडियाज एंड वेंचर्स एज वेल सो लिबरल से आया लिबरलिटी एंड दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग इन करेक्ट क्या है ये वाला लाइक स्पेलिंग इन करेक्ट है राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज सुन एज दॉटर हिट्स द रूट ऑफ द डिहाइड्रेटेड प्लांट इट विल डैश इट इसका आंसर क्या होगा इट विल इनविगोरेट इट इनविगोरेट मतलब क्या होता है एनर्जाइज करना में क्या बोल रहा है कि जब कोई प्लांट का जो रूट है उसमें पानी सही से जाएगा तो क्या होगा ना उसको एनर्जी मिलेगा उस ट्री को या उस प्लांट को तो इट विल ब्लूम इट विल ग्रो बिगर तो उसमें क्या हो रहा है वो एनर्जाइज्ड हो रहा है इन अ वे सो इनविगोरेट Means अभी इसको हम लोग कैसे याद कर, से, कर सकते हैं कि आप किसी चीज को जैसे एनर्जी क्या है एनर्जी हम लोग को मिलता है वेन वी आर ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन राइट तो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं इनहेल इनहेल से आया इन विगोरेट राइट जिसका मतलब एनर्जाइज होता है ऐसे याद रहेगा आप लोगों को वर्ड्स किल डैम्पेन ड्रेन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा इसका इसका मतलब तो आप लोगों को पता ही है राइट ओके राजू इज सच अ डैश ऑफ वॉटर कंजर्वेशन दैट ही ओनली वॉशेस हिज कार वंस अ वीक राजू वॉटर कंजर्वेशन का सपोर्टर होगा ना बिकॉज वो गाड़ी बस हफ्ते में एक बार धोता है तो वो वॉटर कंजर्व कर रहा है ना तो सपोर्टर सपोर्टर का यहां पे सिनोनिम क्या है प्रोपोनेंट राइट प्रोपोनेंट मीन्स सपोर्टर सपोर्टर इज द करेक्ट आंसर अभी इस वर्ड को आप लोग कैसे याद रखोगे यहां पे देखो कुछ समझ में आ रहा है ओपोनेंट और प्रोपोनेंट ओपोनेंट मतलब क्या होता है जो एनिमी होता है एनिमी नहीं मतलब Uh, कोई रेस में आप हिस्सा ले रहे हो उसमें जो आपका ऑपोजिट में होगा जो सेम गोल के तरफ काम कर रहा है अभी उसमें से विनर कोई एक हो सकता है तो उसको हम लोग ओपोनेंट बोलते हैं राइट ओपोनेंट मतलब एनिमी प्रोपोमेंट प्रोपोनेंट मतलब सपोर्टर तो ऐसे याद रख सकते हो कि ओपोनेंट का ऑपोजिट होता है प्रोपोनेंट एंड देयर फॉर प्रोपोनेंट इज द करेक्ट आंसर क्रिटिक एनिमी एडवर्जरी एडवर्जरी मतलब भी एनिमी होता है

उसको पकड़ के फिर आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो राइट सो फॉर एग्जाम्पल अगर चारों सेंटेंस को मैं ऐसा स्कीम करूं स्कीम करना मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ू तो बी से तो स्टार्ट नहीं होगा बिकॉज इट्स स्टार्टिंग विद बट भी नहीं होगा राइट right? हाउ भी नहीं होगा अमेरिका हो सकता है बिकॉज इट्स इट्स अ सब्जेक्ट राइट अमेरिका हैज सेवरल लॉन्ग रिवर्स सिस्टम्स यहां से स्टार्ट हो रहा है सो डी शुड बी दी करेक्ट लाइक फर्स्ट सेंटेंस टू स्टार्ट पैराग्राफ तो यहां पे अगर मैं देखू ए बी सी डी तो होगा नहीं दिस इज इन करेक्ट अभी तीनों ऑप्शन में डी है अमेरिका है सेवरल लॉन्ग रिवर सिस्टम्स अमेरिका में बहुत लंबे रिवर सिस्टम्स है ठीक है इसके साथ किसका रिलेशन बन रहा है इसका ऑल दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे क्या हुआ यहां पर देखो लॉन्ग रिवर सिस्टम्स इसका कंटिन्यूएशन है सी ऑल दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर राइट द रायो ग्रांडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन अमेरिका रिवर के बारे में बात हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ उनमें से एक रिवर के बारे में बात हो रहा है जो सबसे लंबा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है राइट right? उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बट अनलाइक अदर रिवर्स इट इज नॉट यूज्ड फॉर शिपिंग दूसरे नदियों की तरह शिपिंग उसमें नहीं होता है राइट right? इसका नेगेटिव ट्रेड बोल दिया बट हाउएवर हाउवर मतलब बट इट्स इंपॉर्टेंस इज प्राइमरीली फॉर इट्स लोकेशन लोकेशन के वजह से वो रिवर फेमस है अब इस सेंटेंस को मैंने कैसे लिंक किया फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में बहुत सारे रिवर्स होते हैं राइट right? उनमें से एक रिवर है दिस वन रायो ग्रांडे इज वन रिवर राइट right? ये हो गया अभी वो रिवर क्या है इस सेंटेंस के हिसाब से कि वो शिपिंग के लिए यूज नहीं हो सकता लेकिन उसका लोकेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है इज दी सी बी ए फॉर डी सी बी ए ऑप्शन टू इज करेक्ट तो पैराजल में ना सेंटेंस में आप लोग को लिंक ढूंढना है और कोई ना कोई ऐसा हिंट रहेगा कि सेंटेंस में कि इसके बाद ये हो सकता है राइट right? ओके, नेक्स्ट वन इज एर स्पॉटिंग इंडिया नीड्स एन एजुकेशन सिस्टम हु विल इनकलकेट वैल्यूज द स्टूडेंट्स एंड एनरिच देयर पर्सनालिटीज। का मान यह तो बहुत ही इजी सवाल है ये तो आप देखते ही कर देना चाहिए इसको इंडिया नीड्स एन एजुकेशन सिस्टम हु के जगह होगा दैट और विच दैट और विच हो रहा है इन प्लेस ऑफ हु क्यू हो रहा है पहले तो एयर मार्क कर दो दिस ऑप्शन फोर इज करेक्ट सो हू इज यूज फॉर पर्सन हु इज यूज फॉर पर्सन फॉर एग्जाम्पल दिस इज दर्सन हू विल विन अस द ट्रॉफी सेंटेंस देखो ध्यान से हु जो है हु से मैंने इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया दिस इज द पर्सन वो एक पर्सन है जो हु विन अस द ट्रॉफी जो हम लोग के लिए एक ट्रॉफी जीतेगा राइट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु एंड हुम बोथ आर रिलेटेड टू पर्सन राइट अभी विच और दैट दैट कैन भी यूज विथ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो विथ अ पर्सन विच कैन ऑल्सो भी यूज विथ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन लेकिन यहां पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट मीन्स इज एन एजुकेशनल सिस्टम एक सिस्टम के बारे में इसलिए यहां पर विच और दैट के जगह पे कोई एक आंसर सही होगा लाइक विच और दैट दोनों आंसर सही है अभी विच और दैट में थोड़ा सा सटल डिफरेंस है जानना चाहते हो क्या डिफरेंस होगा देखते हैं इसको दैट जो होता है ना इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है राइट दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या है जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है द शर्ट दैट इज रेड इन कलर इज माइन राइट यहां पे देखो दैट से लेके रेड इन कलर ये पार्ट सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है ना द शर्ट इज माइन कौन सा शर्ट दैट इज रेड इन कलर जो कलर रेड है जिसमें देरफोर यहां पर दैट इंपॉर्टेंट है अभी विच कैसे इंपॉर्टेंट होगा अभी अगर मैं और एक सेंटेंस लिखू वन सेकेंड स्पेसिंग का थोड़ा इश्यू है ओके, okay. दैट हो गया रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज विच क्या होगा विच होगा नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होता है जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है अगर उसको स्किप भी कर दोगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखू चेयर्स विच आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस कैन बी ब्रॉट राइट चेयर्स विच आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस कैन बी ब्रॉट तो यहां पर अगर विच से यहां तक विच से प्लेसेस चेयर्स इस sentence, इस पार्ट को भूल जाओ, which से लेके places तक, right? so, can be brought. सही है। है, तो अगर ये sentence, ये स आर फाउंड इंपॉर्टेंट नहीं है ना सेंटेंस में लाइक यू कैन ऑल्सो स्कीप इट तो वहां पे हम लोग विच यूज कर सकते हैं right? राइट

सॉरी ओके सो दिस इज लाइक ये दूसरा क्वेश्चन था सॉरी 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 नो वरीज ओके okay. इसका आंसर क्या हो सकता है दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू एर स्पॉटिंग ही एपियर्ड हार्ड केपेबल ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग ऑन द अपकमिंग प्रोजेक्ट इसमें आंसर क्या होगा हार्ट के जगह होगा वन सेकेंड हार्ट के जगह होगा हार्डली अभी सेंटेंस को पढ़ो He appeared hardly capable of conducting the meeting on the upcoming project. Capable क्या है? Adjective. Adjective को कौन qualify करता है? Adverb. Hardly क्या है? Adverb है, right? ऐसे आप लोग parts of speech को define कर सकते हो, जैसे he appeared

ओके, लाइक प्रिजन से तो स्टार्ट नहीं होगा, राइट? नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ द लास्ट डिक्टेटरशिप आर हो सकता है वेरी इनफेमस एंड ब्रूटल लीडर इससे भी स्टार्ट नहीं होगा जोंग उन इज नोन फॉर वेरियस एट्रोसिटीज ओके तो इधर पी और आर पी और आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो so यहां पे ऑप्शन थ्री इज इनकरेक्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट सो लेट स्टार्ट विद द सेकेंड ऑप्शन आरक्यू पी एस नॉर्थ कोरिया इज वन ऑफ द लास्ट डिक्टेटर शिप्स विथ अ वेरी इनफेमस एंड ब्रूटल लीडर देखो कंटिन्यूएशन हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया लास्ट डिक्टेटरशिप में से एक है जो बहुत इनफेमस और ब्रूटल लीडर है ओके किम जॉंग उन ब्रूटल लीडर ब्रूटल लीडर कौन है इसमें किम जोंग उन राइट किम जोंग उन इज आल्सो नोन फॉर वेरियस एट्रोसिटीज वेरियस एट्रोसिटीज लाइक कौन सा टाइप ऑफ एट्रोसिटीज एट्रोसिटीज मतलब गलत डिसीजन लेके किसी को दबाना राइट फॉर एग्जांपल द ब्रिटिशर्स इंडियंस के तरफ बहुत एट्रोसिटीज किए राइट सो एट्रोसिटीज लाइक प्रिजन फिर हम लोग चले गए क्यू पे क्यू से पी पे आया कौन है वो ब्रूटल लीडर किमजोंग उन और जो वेरियस एट्रोसिटीज करते हैं जो इसमें डिफाइंड हुआ कि कौन सा टाइप ऑफ एट्रोसिटीज कर रहे हैं तो आप लोग ने एक डिरेक्ट को रिलेशन मिलेगा यहाँ पे इस सेंटेंस लाइक like, इस फॉर्मेशन वे फॉर क्यू पी एस इज द करेक्ट आंसर यस ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बहुत है नो डिड शी सी हर टीचर नो सुनर है नो no सुनर के साथ क्या होता है देन वेन के जगह देन होगा नो सुनर देन राइट इसको हम लोग बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन टिव कंजंक्शन कंजंक्शन विच आर यूज टूगेदर साथ में वर्क करते हैं फॉर एग्जाम्पल नो सुनर एंड देन और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को रिलेटिव कंजंक्शन देख लेंगे नो सुनर देन ये हो गया वेन किसके साथ यूज होता है यूज होता है हार्डली और स्केयर्सली हार्डली और स्केर्सली के साथ वेन यूज होता है और एक क्या है नॉट ओनली और बट ऑल्सो इधर और निदर यह दोनों भी इंपॉर्टेंट है राइट सो नो सुनर के साथ देगा देर फॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कीट्स एंड शेली वेर पोएट ऑफ द सेम पीरियड दे वेर सेम पीरियड सेम पीरियड में जब होता है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंटेम्पोरिज सेम पीरियड में इफ देर आर टू पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम पीरियड वी कैन कॉल देम कंटेम्पोरिज राइट दे आर फॉर कंटेम्पोररीज इज द करेक्ट आंसर कलीग्स नहीं होगा बिकॉज इसमें एविडेंट नहीं है कि कलीग्स हो सकता है असोसिएट्स तो नहीं होगा असोसिएट क्या होता है ना कि मेरे नीचे अगर कोई काम कर रहा है तो उसको हम लोग असोसिएट बोलते हैं राइट एक्वेंटेंसेस मतलब जान पहचान वाले फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव फ्रेंड्स एंड ऑल को हम लोग एक्वेंटेंसेस बोल सकते हैं राइट ओके सो कंटेपोर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बेलीजरेंट दिस इज द करेक्ट आंसर बीई डबल एल आई जीई आर एन टी बेलिजरेंट मतलब होता है होस्टाइल एग्रेसिव होस्टाइल और एग्रेसिव को हम लोग बोलते हैं बेलीजरेंट राइट ओके सो दिस इज द क्लोज टेस्ट अभी क्लोज टेस्ट हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं पहले तो पूरा पैराग्राफ को गो थ्रू करेंगे फास्ट बहुत ही जल्दी गो थ्रू करके फिर हम लोग ऑप्शंस देखेंगे सो so, मैं स्क्रीन का थोड़ा बगल में चला जाता हूं ताकि आप लोग को पूरा सही से दिखे एंड लेट्स रीड इट ऑल दिस नॉट बोर्ड डैश फॉर इवन द लूजेस्टिनेशन ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म सिटी बाय डेफिनेशन इज अस एज डैश हिस्टोरियंस एंड सोशियोलॉजिस्ट है स्विच आईडियली प्रिविलजेस एंड डैशक्सपेक्टेड एनकाउंटर एंड कॉल्स ऑन इट सिटीजन टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड ह्यूमनलीवन टू दो नॉट लिंक टू अर्स इन फैमिली नेशनलिस्ट और कास्ट ओके इसको एक बार गो थ्रू करके क्या समझ में आया थोड़ा सा लिटरेचर टाइप का कुछ है कि वर्ल्डली अफेयर्स कॉस्मोपॉलिटन ये देखो कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो वर्ल्डली होता है पूरा दुनिया से रिलेटेड होता है राइट अ सिटी ऑफ डेफिनेशन सिटी के बारे में कि सिटी कैसे फंक्शन कर रहा है हिस्टोरियन सोशियोलॉजिस्ट राइट अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर एंड कॉल्स ऑन इथ सिजन टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड ह्यूमनलीवेन टू दो अभी इसको मतलब एक जनरल आइडिया मिल गया कि ये वर्ल्ड सिटी कुछ तो ऐसा रिलेटेड होगा लाइक like, इसका थीम हम लोग को पता चल गया अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है राइट ओके सो ऑल दिस डज नॉट बोर्ड 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 मतलब क्या होता है साइन बोर्ड वेल किसी चीज का साइन को हम लोग बोर्ड बोलते हैं बोर्ड क्या है वर्ब है राइट right? बोर्ड so all all this does not bode well well क्या है adverb है right बोड देखो वेल वेल कैसे एडवर्ब है इसको मैं कैसे बोलू कि ही इज नॉट फीलिंग well राइट right, इस सेंटेंस का देखो ही इज नॉट फीलिंग वेल फीलिंग क्या है वर्ब है वर्ब को कौन क्वालिफाई कर रहा है वेल well. तो मतलब वेल well एडवर्ब हुआ राइट right, इस सेंटेंस में बोट क्या है बोर्ड एक वर्ब है वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा एडवर्ब वेल इज दी ओनली एडवर्ब एमंग दी फोर ऑप्शंस नाइस एडजेक्टिव है गुड एडजेक्टिव है फाइन मतलब अगर आप फाइन कुछ दे रहे हो किसी पुलिस को या किसी को एज अ नाउन काम करेगा बट लाइक नॉर्मली दिस इज ऑल्सो एन एड्जेक्टिव राइट जैसे फॉर एग्जाम्पल ही दिस इज अ फाइन वेदर राइट तो फाइन एज एडजेक्टिव काम कर रहा है ना तो ओनली वेल इज दियो इट इज द करेक्ट आंसर ओके सो दिस डॉट बोड वेल फॉर इवन दूजेज डेफिनेशन ऑफ कॉस्मोपोलिटनिज्म मतलब affairs, I have, as I have अभी हम लोग को ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा बहुत सारा हो सकता है इन्यूमरेबल इन्यूमरेबल मतलब काउंटलेस जो जिसका काउंट नहीं कर सकते हो आप देखो न्यूमरेबल वर्ड कहां से आया नंबर से न्यूमरेबल मतलब जो काउंट किया जा सकता है जिसका नंबर है उसको काउंट कर सकते हो उसका ऑपोजिट इन लग गया ना इसमें तो ऑपोजिट हो जाएगा तो काउंटलेस मतलब इन न्यूमरेबल इज द करेक्ट आंसर फाइनाइट मतलब लिमिटेड 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 हिस्टोरियंस एंड सोशियोलॉजिस्ट डजंट गो वेल विद द कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेबल नॉट वर्किंग जो चीज कैलकुलेट कर सकते हो उसको कैलकुलेबल बोलते हैं सिंगल

वर्ब मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज हो रहा है तो उसका जो फॉर्म है वो सेम होगा यहाँ पे क्या है प्रेजेंट टेंस में है प्रीविलेज तो यहां ये भी प्रेजेंट टेंस में है देयरफॉर फॉर विल बी द करेक्ट आंसर राइट नर्चर्ड पास्ट में नर्चरिंग कंटिन्यूअस uh, में नर्चर क्यों नहीं होगा बिकॉज <clears throat> यहां पे देखो कौन सा सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है Told us which ideally, which ideally privileges and nurtures, city is the subject. If you a city by definition is a space as innumerable historians and socialists have already told us which, आइडियली प्रिविलेजेस एंड नर्चर्स देर फॉर अगुलर वर्ब यूज होगा इसको भी आप लोग प्रिविलेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि प्रिविलेजेस सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब है तो नर्चर्स भी सिंगुलर होगा राइट नर्चर्स द अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर एंड कॉल्स ऑन इथ सिजन टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड ह्यूमनली इवेन टू दोज सिटीजेंस है इवेंट टू दोज हू क्या बोला था मैंने कि जो पर्सन पर्सन से रिलेटेड होता है वो हू होता है राइट देरफॉर हू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिटीजेंस टू बी एबल टू डिस्पॉन्ड ह्यूमन इवेंट टू दोज हु नॉट लिंक टू अस इन फैमिलियर एथनिक नेशनलिस्ट और कास्ट एफिलिएशन

ओके ग्रेट सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस्ड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा अभी हर वेडनेसडे एक लाइव टेस्ट आएगा और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग के जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है वो लोग हैंड पिक करके ऐसा टेस्ट सीरीज बना रहे हैं कि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप लोग इस इन मॉक टेस्ट को सही से लगाओगे सही से ऐसा एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता सो थैंक यू एवरी गुड बाई